हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की। और ये सारा जितना भी न्यूज़ एंड आर्टिकल्स है उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर है। और आज जो कि 14 तारीख है, 14/6/2022, उस न्यूज़पेपर को हम बात करेंगे। एंड उसमें हम देखेंगे अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। देखिए, न्यूज़ पढ़ना इज़ अ गुड हैबिट, बट जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है ना। हमको एग्ज़ाम के हिसाब से चलना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट होता है टू स्टडी कि हम इस तरीके से नहीं चल सकते हैं, है ना। तो हमको एक इस तरीके से प्लानिंग करनी है, इस तरीके से एक पाथ पे चलना है, उसको लेके जो है हम द हिंदू एनालिसिस लेके आते हैं। एंड इसको आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आसान भाषा में एंड कम से कम जो आपकी रिलेवेंट खबर है यूपीएससी के एस्पेक्ट से मेरे हिसाब से उसको हम कवर करें। तो अगर हम बात करें रिटेल इन्फ्लेशन, सबसे पहले इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीजिंग उसमें होगा तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आएगा। इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है। इन्फ्लेशन अगर हाई है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि जो प्राइस है, प्राइस हाई हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर पहले हम 100 रुपये में 10 पेन लेते थे, तो अब अगर 100 रुपये होगा इस समय, तो 100 रुपये में हम क्या करेंगे, 8 पेन ही ले पाएंगे। तो जो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज करेगी। जो प्राइस है, द प्राइस, प्राइस विल इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। बट एक चीज़ और है, यहाँ हमने देखा कि इन्फ्लेशन के वजह से प्राइस जो है इंक्रीज करती है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि क्या इन्फ्लेशन ज़ीरो पर रहना चाहिए। इज इट गुड, गुड फॉर द इकॉनमी कि इन्फ्लेशन 0% रहे। जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं 7.04 की, और ये अप्रैल में क्या था, 7.79%। इस समय 7.04%, मई का, अप्रैल में 7.79 था, कब, अप्रैल में। तो ये स्लाइट जो है एक डिक्रीज जो है हमको दिख रहा है, एक स्लाइट डिक्रीज है। और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो कैप है, जो हमको मेंटेन करना होता है इंडिया में, उसको मैक्स हम 6% के अंदर जो है, मैक्स टू मैक्स 6% तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसको मेंटेन करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो इन्फ्लेशन को हु कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई, है ना। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई के पास जो टूल्स हैं, आरबीआई जैसे रेपो रेट है, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेपो रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, कैश क्रेडिट रेशियो, ये जो 1, 2, 3 एंड 4, ये जो टूल्स हैं, इस टूल्स को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो पैसा होता है मार्केट से उसको वापस अट्रैक्ट करते हैं, उसको वापस अट्रैक्ट करते हैं कि उस वो पैसा, मनी जो सर्कुलेशन है इकॉनमी में, जो पैसा घूम रहा है, इस पैसे को वापस उसको बैंक में रख दिया जाए, ताकि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसको हम कंट्रोल करें, मार्केट से मनी को हम खींचें। तब जो है कहीं ना कहीं ये जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये सब जो टूल्स हैं, इसको गवर्नमेंट यूज़ करती है, इसको जो है, इन टूल्स को RBI जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, बढ़ाती है, घटाती है। जैसे पहले भी, अभी हमने कुछ दिन पहले ही क्या बोलते न्यूज़ करी थी कि कुछ बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ाए गए, है ना। तो क्यों बढ़ाए गए, इसलिए बढ़ाते हैं ताकि ये जो सर्कुलेशन ऑफ मनी, जिसको हमने समझा, इस सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाए और
वो कैसे कंट्रोल होता है, वो 1, 2, 3, 4 ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, अगर ये बढ़ा दिए जाएंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं मार्केट से जो मनी है वो धीरे धीरे मार्केट में कम होने लगेगा। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि अगर पहले हम 5 टमाटर लेते थे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 रुपये में या 50 रुपये में 5 टमाटर अगर लेते थे, अब अगर हम 20 रुपये में जो 5 टमाटर आते थे, अब उसके लिए हो सकता है हमको 22 रुपये खर्च करने पड़ जाए, 23 रुपये खर्च करने पड़ जाए, तो अगर हम लेंगे तो हो सकता है कुछ टमाटर हमारे कम हो जाएं। तो लाइकवाइज ये जस्ट एक एग्जाम्पल था आपके समझने के लिए, RBI takes care of the inflation, आपको याद रखना है RBI takes care of the inflation, RBI takes care of the inflation, इस पर कोई confusion नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली जो है प्री में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, UPSC में देखे जाते हैं। और कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन 2% से कहते हैं कि इन्फ्लेशन 2% से नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है कुछ इन्फ्लेशन, जब हमने बात करता ना क्या ज़ीरो होना चाहिए, कुछ इन्फ्लेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा इन्फ्लेशन होगा उससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा तब क्या होगा, जॉब ग्रोथ होगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो पढ़ाई, हेल्थ और सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल, हर चीज़ मेंटेन कर पाएंगे लोग। इससे क्या होगा, एक जो नॉर्मल जो साइकिल होता है वो मेंटेन होगा। देखिए इसको एक कुछ अजम्पशंस के साथ हम लोग ये बातें करते हैं, एक नॉर्मल रिजीम की ये बातें होती हैं, और इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं इकॉनमी में कि अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये जो गोल है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। इन्फ्लेशन अगर 2 से 6 के बीच में है ठीक है, 6 से ऊपर नहीं ठीक है, 2 से नीचे भी नहीं ठीक है। एक लेवल पे चीज़ों को मेंटेन करना होता है। कैसे मेंटेन करते हैं, RBI मेंटेन करता है। RBI के पास टूल क्या है, 4 टूल हमने देखा, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, SRR, CRR, ये चीज़ें आपको जाननी है। इकॉनमी का ये टॉपिक है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर UPSC एग्जामिनेशन। इन चीज़ों को आपको समझना है और याद भी रखना है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब आज की दूसरी खबर की तरफ हमें बढ़ते हुए, गवर्नर, देखिए इससे पहले भी हम इस खबर को हम कवर कर चुके हैं। गवर्नर का जो रोल है ना, ये जो रोल है वो कहीं ना कहीं कई बार क्वेश्चंस उठते हैं इस रोल के ऊपर। इसको क्या बोला जाता है कि गवर्नर बेसिकली एक्ट्स एज अ, गवर्नर एक्ट्स एज अ ब्रिज। ये कैसा ब्रिज है, ये ब्रिज ऐसा है, ऐसे है ब्रिज, एक तरफ सेंटर है एक तरफ स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो ब्रिज है दैट इज कॉल्ड गवर्नर। गवर्नर जो है, जो स्टेट की जो चीज़ें हैं, यू नो हेड ऑफ द स्टेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर है। तो जो गवर्नर है, गवर्नर आपका सेंटर और स्टेट के बीच में जो कड़ी होती है उस कड़ी को गवर्नर जो है जोड़ता है। और ये फिर से तमिलनाडु का, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कई बिल्स हैं, करीब अराउंड 21 बिल्स हैं, है ना, जो कि कहीं ना कहीं एसेंट के लिए, गवर्नर का एसेंट। अब यहाँ बात करते हैं गवर्नर की पावर की, तो गवर्नर का पावर है कि जो बिल होता है
बिल को एक्ट में बदलने के लिए, बिल को पास करने के लिए गवर्नर का एसेंट ज़रूरी है। अब गवर्नर क्या करता, अगर गवर्नर उस बिल को वापस कर देगा तो फिर से अगर हाउस पास कर देगी तो गवर्नर इज बाउंड टू साइन इट। लेकिन गवर्नर के पास एक पावर होती है होल्ड करने का। और इसमें क्या मजेदारी है, ये एक बहुत क्रूशियल पावर है गवर्नर की, टाइम फ्रेम नहीं मेंशनड है कब तक होल्ड कर सकते हैं आप, कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, वो गवर्नर के विल के ऊपर है कि कब तक जो है किस टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज़ों को होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पे क्या है, जो तमिलनाडु असेंबली का ये जो न्यूज़ में हम लोग ये देख रहे हैं, ये तमिलनाडु असेंबली से बोल रहे हैं कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कन्वेइंग द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद हिज रिकमेंडेशन। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गवर्नर को एक कहते हैं ना इम्पार्शियलिटी की बात हो रही है कि आप सपोर्ट करिए हमको भी, हमारे चीज़ों को देखिए। जो नीट का इनका बिल है कि भैया नीट में हमारा जो अंडर ग्रेजुएशन वाले जो एंट्रेंसेस हैं वो हम अलग से करेंगे नीट में नहीं, या और भी जो भी चीज़ें मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूँगा, यहाँ हम फोकस करेंगे बेसिकली गवर्नर के ऊपर। अब गवर्नर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भैया ये सेंटर का आदमी होता है कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये स्टेट की नहीं सुनेगा, ये सेंटर के ही अकॉर्डिंगली जो है एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो बिल जो होल्ड करने की बात है, इस वजह से जो है अब अगर जब बिल पास नहीं होगा तब गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर है उस पर कोई एक्शन ले नहीं पाएगी। अगर गवर्नर चाहेगा तो बिल को क्या बोलते हैं रिव्यू के लिए, एक कंसिडरेशन के लिए बेसिकली प्रेसिडेंट के पास भी सेंड कर देगा, प्रेसिडेंट के पास। ये सब जो पावर होती हैं गवर्नर की होती हैं, और ये आने वाले 2022 के, वैसे तो हमेशा इम्पॉर्टेंट है, ये 2022 के मेंस के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है जो गवर्नर के रोल्स एंड पावर्स हैं आज की डेट में क्या प्रॉपरली यूज़ में हो रहे हैं, या दे नीड सम चेंजेस, या जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट के तरीके से चल रही हैं, वो आपको एनालाइज करना है, आपको आंसर देना है, और आपको उसको जो है पोर्ट्रे करना है कि क्या स्टेटस है अपने कंट्री में गवर्नर का। तो इस तरीके से गवर्नर जो है ये कैसे इलेक्ट होता है, इसका कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट और अपने हिसाब से जो चीज़ें इनका इलेक्शन, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है, इनका सिलेक्शन होता है। और कहीं ना कहीं जो एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक इम्पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं कि गवर्नर शुड एक्ट एज अ इम्पार्शियल पर्सन। अब ये क्या सही है क्या गलत है, वो जो ये न्यूज़ में है मैं उसको जो है कवर कर रहा हूँ आपके लिए। और गवर्नर का सबसे जो मजेदारी है होल्ड कर देना बिल, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन में भेज देना, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गवर्नर के पार के। अब यहाँ पे फूड क्राइसिस, ये न्यूज़ जो है एक ग्लोबल जो फूड, देखिए खाना एक ऐसी चीज़ है कि हो सकता है आदमी किसी चीज़ें के बगैर कम पढ़ लिख के हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम्स हों, लेकिन बगैर खाए जीवन रहना ना रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बिकॉज कुछ समय के बाद जो हेल्थ है वो किसी भी चीज़ में अलाउ नहीं करेगी। अब अगर फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा एस्केलेट करेंगे, बढ़ जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा तबका है जिसके लिए ये फूड जो है एक तरीके से एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा बहुत सी कंट्री के लिए, बिकॉज उस फूड को वो बाय ही नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से जो फूड है उसका शॉर्टेज जो है, शॉर्टेज प्लस इसका जो बाइंग कैपेसिटी है, जो बाइंग कैपेसिटी है हमारी, खरीदने की क्षमता है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी, खरीदने की क्षमता डिक्रीज़ कर जाएगी। ये क्यों डिक्रीज़ करेगी भाई, जैसा हमने पहले भी एग्जांपल में लिया कि अगर हम 50 रुपये में भोजन खरीद रहे थे, 100 रुपये में भोजन खरीद रहे थे, अगर वो भोजन
150 रुपये का हो जाए, 100 रुपये वाला भोजन 150 रुपये का हो जाए, तो बहुत से लोग उसको क्या करेंगे, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर देंगे, उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर देंगे। अब उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, मैल नरिशमेंट है और ये सारी जो दिक्कतें हैं, जो न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी है, ये चीज़ें जो है जुड़ी, क्योंकि देखिए फूड जो है डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, डायरेक्टली रिलेटेड है हेल्थ से, फूड जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे हेल्थ से, हमारी हेल्दी बॉडी से फूड डायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर इसकी जो रीच है, जो जो फूड खरीदने की क्षमता है वो डिक्रीज करेगी, हंगर इंक्रीज करेगा, तो फिर क्या होगा, जो पावर्टी है वो इंक्रीज करेगी, पावर्टी इंक्रीज करी, हंगर इंक्रीज किया, है ना, हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी क्या हुई, डिक्रीज करी, प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज किया, हेल्थ क्या हुई हमारी, हेल्थ भी डिक्रीज करी, डिटेरिएट करी। भाई जब हम खाना नहीं खाएंगे अच्छे से तो फिर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हम जो वर्क 8 घंटा कर सकते थे शायद हम 6 घंटे पे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वर्क आर पहले कम होंगे, धीरे 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 सिचुएशन और ज़्यादा एडवर्स हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये जो क्राइसिस है ऑफ ग्लोबल फूड प्राइसिस, और ये स्पेशली कहीं ना कहीं जो एक तो आपका जो क्रूड प्राइस, जो क्रूड प्राइस जो है ऑयल जो है आपका इंक्रीज़ कर रहा है, स्पेशली ये यूक्रेन एंड रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर के वजह से जो ये फूड प्राइसेस एस्केलेट कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, है ना, फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे नेट इंपोर्ट्स हैं, जो हमारी कंट्री की जो फिजिकल कंडीशन है, और प्लस कहीं ना कहीं जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं सब डिप्लीट करेंगे, सब पे कहीं ना कहीं स्ट्रेन आएगा, है ना कहीं एक डिप्लीशन आएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरे सोसाइटी के लिए जो है ये एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात हो सकती है अगर ये एक कंट्रोल के बाहर प्राइस जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पीस, भाई जब पेट नहीं भरेगा, जब हमारे पास शांति नहीं रहेगी, तो हम स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे, हम सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर क्या लिया था, इंडिया ने अपने फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अगर कहें या स्टार्टिंग में अगर कहें, तो जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन कब, ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो फूड की सिक्योरिटी है, फूड की सेल्फ सफिशिएंसी है, प्लस जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे फूड के सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच रहा है। देखिए इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है, कहाँ हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल फूड प्राइसेस की, कनेक्ट किया ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से, उसको कनेक्ट किया आपने 73rd and 74th अमेंडमेंट, जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायती राज हमारी है, तो उससे कनेक्ट करके चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा किसी को आंसर रीड करने में। प्लस यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि जो फूड की जो यूसेज है, बायोफ्यूल में जो यूसेज है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में जो यूसेज है, वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि उस चीज़ों में भी यूसेज बढ़ते जा रहा है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके वजह से अगर फूड प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, तब कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने हो सकता है। और कोविड पैंडमिक की वजह से जो दिक्कतें सामने आई हैं, सप्लाई ड्रास्टिकली रिड्यूस करी है, पहले 10 कारखाने अगर हैं जो कि किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब वहाँ पे या तो लॉकडाउन की वजह से जो इफेक्ट था, या लेबर नहीं थी, या रॉ मटेरियल नहीं पहुँच रहा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं थे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा फूड की प्रॉब्लम को, फूड की प्राइसिंग को ग्लोबली जो है हिट कर रही है।
अब अगर हम बात करें द इन्फ्लुएंजा, ये जो पैंडमिक की है ना, ये जो 2009-2010 में H1N1 जो पैंडमिक था, यहाँ पे इस आर्टिकल में, इस न्यूज़ में उसको जो है रेफ़र किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है उन चीज़ों को हम देखना है और किस तरीके से जो हमारे डेवलप्ड नेशन है और डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे जो डेवलप्ड हैं है ना एंड डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे जो वैक्सीन है, जो डेवलप्ड नेशन है, दे आर मोर लाइकली टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन, दे आर मोर लाइकली कि वो अपने सिटीजन्स को, सिटीजन तक जो वैक्सीन है उसकी जो रीच है, रीचेबिलिटी की बात यहाँ हो रही है अगर, तो जो रीच है वो डेवलप्ड नेशन में ज़्यादा होगा है ना। इनके पास क्या होगा, रिसोर्सेज होंगे। देखिए कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं वो हर चीज़ में प्ले करेंगे, रिसोर्स होगा तभी चीज़ों को आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। रिसोर्स नहीं होगा तो पहले तो बेसिक नेसेसिटी को आदमी पूरा करेगा, पहले क्या करेगा, बेसिक नेसेसिटी या बेसिक जो नीड्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं कॉमनली, रोटी कपड़ा मकान टाइप्स, उस चीज़ को पहले पूरा करा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो वैक्सीन, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंजा पैंडमिक एंड नेशंस विद इन अ नेशन, कहीं ना कहीं जो रीजन्स हैं और जो प्रोफिलेक्टिक जो चीज़ें होती हैं, प्रोफिलेक्टिक चीज़ों का यहाँ रेफरेंस दिया गया है। प्रोफिलेक्टिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर पे करता है आज, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में ऑलरेडी अनसर्टेन है, कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन उसके लिए पे आज करता है। उसी तरीके से जो वैक्सीन्स हैं उसको जो है क्या बोलते हैं, बात हो रही है कि उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रा चाहिए है ना, उसकी एक अपनी कॉस्टिंग होती है, उस कॉस्टिंग को बेयर करना एक हर एक कंट्री के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होती है उस चीज़ को देखना। कोविड वैक्सीन को ही अगर देख लें आज की डेट में, तो स्टिल बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे कोविड वैक्सीन्स आज भी बहुत कम मात्रा में लगी है, क्योंकि रिसोर्स या अवेलेबिलिटी एक जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस लेके आ रहा है। और बहुत सी गवर्नमेंट है जो कि पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं जो इनइक्विटी है ना, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी को भी हमको नहीं भूलना है, हमको रिसोर्स को भी नहीं भूलना है, हमको प्राइसिंग को भी नहीं भूलना है, हमको इंफ्रा को भी नहीं भूलना है, हमको उसकी कॉस्टिंग को भी नहीं भूलना है, हमको उसकी प्रोफिलेक्टिक जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस चीज़ को भी नहीं भूलना है कि आज हमको पे करना है, उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में रहना है, तो उस प्रोडक्ट के प्राइस को पे करने के लिए हम रेडी हैं। ये चीज़ें जो है एक तरीके से आप इस आर्टिकल को चाहें फिर से रीड भी कर सकते हैं, जितना ज़रूरी था आपके यूपीएससी के एस्पेक्ट से उसको मैंने कवर किया। वैक्सीन का क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं प्री और मेंस दोनों में, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है आपके पढ़ाई के लिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है ना, बहुत से जैसे कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, ये जितने भी गैजेट्स की बात करें, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी न्यूज़ में चला आ रहा है हमारे सामने, जो कि कार्बन यू नो एनवायरनमेंट प्रोडक्शन, पोल्यूशन चेक, ये सारी चीज़ें एंड रीयूजबिलिटी की जो बात है उसके लिए जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं इंडिया में भी, कि उसका परसेंटेज भी हमने जो है इंक्रीज़ किया है और 2024-2025 तक उसको और फर्दर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और जो उसका जो ई वेस्ट है उसको किस तरीके से रिसाइकल, देखिए उसको जो ई वेस्ट है उसको भी हम यहाँ पर राइट टू रिपेयर में जो है बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइट टू रिपेयर से हम क्या मेंटेन कर सकते हैं, हम क्या मेंटेन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, अपने प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमारे पास राइट टू रिपेयर इन अ प्रॉपर मैनर हो, विद राइट टाइम, बहुत जरूरी है, सही समय पे और राइट प्राइस, सही दाम पे।
क्योंकि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आप किसी एक्स कंपनी का आपने फोन खरीदा, तो आप कभी कभी क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं कि उसका जो बाउंड है कि हमने अगर एक्स कंपनी का फोन खरीदा तो अगर उसकी बनवाई के लिए जाना है तो इसी के शोरूम या रिपेयर सेंटर पर जाना है, इसी के शोरूम या रिपेयर सेंटर में जाना है। क्यों? क्योंकि उसका रिपेयर की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो मैनुअल है ना, उसका जो टूल है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका जो अवेलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर देती है। एक नॉर्मल, एक इंडिविजुअल दुकान वाला उसको रिपेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास वो टूल्स, वो टेक्निक्स, वो मैनुअल उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे यूएस में ये जो आर्टिकल है, इसमें यहाँ पे यूएस ने, यूएस स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क ने रिसेंटली क्या पास किया है, फेयर रिपेयर एक्ट, है ना। उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सप्लाई रिपेयर इंफॉर्मेशन, सप्लाई रिपेयर इंफॉर्मेशन, टूल्स, है ना, इन सब को कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप है, इंडिपेंडेंट जो रिपेयर शॉप है वहां तक इसकी रीच जो है बढ़ाई जाए, सो दैट कि हमारे पास हमारा राइट हो कि हमको जहां पे भी जाना हो हम जा सकते हैं, और जो कहीं ना कहीं जो हेफ्टी और हैवी प्राइस हम पे करने के लिए बाउंड हो जाते हैं वो भी चीज़ कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगी जब हमारे पास ये राइट होगा और स्कोप होगा कि हम जाके चाहे कंपनी में कराना है या इंडिविजुअल क्या कराना है हम करा सकते हैं। हम किसी भी उसमें फोर्स नहीं होंगे, यू नो, कि हमको जो स्कोप है हमारा वो लिमिटेड हो जाए सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए। कहीं ना कहीं जो उसका एक्सेस है उसको, एक्सेस को हम इंडिविजुअल पर्सन तक दे सकते हैं। कैसे? इंडिपेंडेंट जो रिपेयर शॉप्स हैं, जो टूल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोवाइड करके। देखिए, इसको हमको कनेक्ट करना है जो हम अपने ई वेस्ट वाला जो आर्टिकल पढ़े थे, अगर आपने वो वीडियो देखा हो, नहीं देखा तो आप पहले के वीडियो में जाके देख सकते हैं ई वेस्ट, या पहले के द हिंदू भी रीड कर सकते हैं। उसमें आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है, और जो आने वाला 2022 का जो मेंस है, 2022 का इस साल का जो मेंस है, उसमें क्वेश्चन प्रॉब्ली एक ना एक उससे आ सकता है। हमको रेडी रहना है, कैसा भी क्वेश्चन आए उसका हमको आंसर देना है, बिकॉज हमको उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। हमको कोई चीज़ अच्छी लगे चाहे बुरी लगे हमको पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि हमको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इसी तरीके से और भी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।